नमस्कार दोस्तों, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है उसमें दोस्तों कई लोग पूछ रहे थे कि भैया बताओ कि इसमें ऋणात्मक अंकन है वो किस प्रकार होगा, यानी कर्मचारी चयन बोर्ड जो पेपर करवाएगा इस पेपर में ऋणात्मक अंकन है वो किस प्रकार होगा। तो चलिए अपन देख लेते हैं। देखिए, मैंने तीन तरीके आपको बताने की कोशिश की है, जिसमें एक मैंने आधार लिया है 120% कोई करके आता है उसका, एक लिया है 100 का। तो पहले 120 का सिंपल तरीका, फिर थोड़ा सा जटिल तरीका निकालने का, क्योंकि अपने अपने तरीके से सब निकालेंगे, कोई टेस्ट सीरीज देगा और देगा। तो देखिए, आपके जैसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150, यानी 150 आपके प्रश्न हैं पेपर में। आपने क्या किया कि 120 प्रश्न हैं वो अटेम्प्ट किए, तो आप गलत कितने कराए, 20 कराए। अब आपके टोटल करेक्ट क्वेश्चन रहे 100, कितने रहे 100। अब इनको निकालोगे कैसे आप, तो आपके ऋणात्मक अंकन है 1/3, यानी 1/3। 1/3 का मतलब ये हुआ कि 0.33। देख लीजिए मार्किंग आप कैसे करेंगे, तो 100 आपने सही किए माइनस 20 आपने गलत किए, मल्टीप्लाई 1/3 कर देंगे तो आपके पर्सन सही निकल कर आएंगे 93.40। या उस तरीके से आप कैलकुलेटर से निकालें तो ऐसे निकलेगा 100 माइनस 20 इंटू 0.33, तो 93.40 आपके पर्सन सही हो जाएंगे। अब प्रत्येक पर्सन 2 अंक का है, तो 93.40 को आप 2 से गुणा कर दोगे तो आपके 186.80 नंबर निकल कर आएंगे। तो ये 300 में से आपने प्राप्त किए हैं 186.80 नंबर। अब देखिए देसी तरीका, जैसे आपने कुल प्रश्न है आपके 150, आपने कुल किए 120, आप छोड़ आए 30 प्रश्न। 30 प्रश्नों को तो आपने छेड़ा ही नहीं, छोड़ आए, यानी 30 इंटू 2 यानी 60 अंक तो आप पहले छोड़ दिया आपने, 60 अंक का मैटर। आप गलत कराए 20, 20 गलत किए मतलब आपने 40 नंबर का मैटर है वो गलत कर दिया। अब ये 40 नंबर है ये आपके सही प्रश्नों पर भी प्रभाव डालेंगे, वो किस तरह से डालेंगे तो देख लीजिए, ये इस तरीके से प्रभाव डालेंगे कि जैसे आपने 120 किए थे, 20 आपने गलत कर दिए तो आपके सही रहे 100, यानी 120 माइनस 20, 100 आपके सही रहे। तो 100 इंटू 2 यानी 200 अंक का मैटर आप करके आए हो। इसमें से अब ऋणात्मक अंकन वाले प्रश्न है वो आएंगे, यानी जो 20 प्रश्न आपने गलत किए थे, तो 100 माइनस 20 इंटू 0.33 आप करोगे तो आपका निकल के आएगा 93.40। तो अब आपके 93.40 के बन जाएंगे 186.80। ये थोड़ा सा सिंपल तरीका, मतलब वैसे वो सिंपल था फॉर्मूला निकालने के हिसाब से, लेकिन ये मैंने सिंपल तरीके से वैसे आपको बताने की कोशिश की है कि 150 प्रश्न थे, आपने 120 किए, 30 आप पेपर में छोड़ाए, 20 का आप माइनस मार्किंग में हो और 20 की आप माइनस मार्किंग निकालोगे 100 सही के ऊपर, यानी 100 आपके सही हैं, तो आपके नेट नंबर है वो रहेंगे 93.40, यानी 93.40 क्वेश्चन रहेंगे आपके। फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके 186.80 अंक निकल कर आएंगे। ऐसे ही मान के चलिए कोई 150 में से 130% करके आता है और 20 वो छोड़ आता है, 20 छोड़ाया मतलब 40 अंक का मैटर तो वो पहले छोड़ाया, फिर देखिए उसने गलत कर दिए 10 गलत कर दिए और सही उसके कितने रहे 120, यानी 130 में से ये 10 गलत है ये घटा देंगे, 120 सही रहे। अब देखिए गलत किए उनका क्या प्रभाव रहेगा, तो गलत किया है इसका प्रभाव रहेगा ये 120 माइनस 10 इंटू 0.33 या 1/3 आप करोगे तो 116.7, यानी 116.7 प्रश्न आपके सही रहे हैं। अब 116.7 प्रश्न आपके सही रहे हैं तो 116 को 2 से गुणा करोगे कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो 116 इंटू 2 तो 233 नंबर बढ़ेंगे इसके। तो देख लीजिए इतना प्रभाव पड़ता है नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने के ऊपर,
उस बंदे ने जो पहले वाला बताया 120 प्रश्न किए थे, 20 उसके गलत हो गए। अब 20 गलत होते वो कहाँ 186 पे चला गया। इस बंदे ने 130 किए, 10 ही गलत किए और इस बंदे के नंबर कहाँ 233 पे चले गए। तो इस तरह से नेगेटिव मार्किंग है वो प्रभावित करेगी, और नेगेटिव मार्किंग किस तरह से आप निकाल सकते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है सिंपल तरीके से। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये पहले वाला फॉर्मूला है, ये आप लगा लिया करना जब भी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह दो, तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, आपने कितने अटैम्प्ट किए, आपने कितने गलत किए हैं, गलत करने के बाद आपके करेक्ट क्वेश्चन निकल जाएंगे, करेक्ट निकलने के बाद आपके टोटल कितने नंबर रहेंगे वो इस तरह से निकाला जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर कभी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।